Hey everybody, welcome back to my channel Rajveer Fitness Series. This is me Rajveer Shishodia and today we are going to do our hamstrings workout, legs workout karenge. Do din pehle video dala tha quads workout ke liye. Us din bol diya tha ki do din baad hamari jab legs ki recovery acche se ho jayegi to hum apni piche wali legs ka matlab ki hamstrings ka workout karenge. To bina time waste kiye chalte hain apne workout ki taraf. Let's go. So guys, kyunki legs ka workout hai to shuru karenge apne sit ups ke sath. To guys, shuru karenge apne warm up ke sath. जैसे हम नॉर्मल सिटअप्स करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पोजीशन बताई हुई है कि सिटअप्स हमने ऐसे करने हैं क्योंकि हम अपने इंटरनल लेग्स के लिए, अपने हैमस्ट्रिंग्स के लिए वर्कआउट कर रहे हैं. तो इसमें हमें सिटअप्स कैसे करने हैं, नॉर्मल वैसे ही खड़े होना है, बस पंजे हमने बाहर की तरफ खोल लेने हैं एंड देन लाइक दिस वन, ताकि हमारे इंटरनल जो लेग्स हैं उन पर सारा प्रेशर आए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइक दिस 30-40 रेप्स करेंगे और 2 से 3 सेट्स करेंगे ताकि हमारी लेग्स अच्छे से वार्म अप हो जाएं, रेडी हो जाएं वर्कआउट के लिए. तो करते हैं अपना वर्कआउट शुरू. लेट्स गो. गाइस, वर्कआउट शुरू करेंगे. स्क्वाट्स करना है. परसों हमारी पोजीशन क्या थी, हमने लेग्स क्लोज रख के स्क्वाट्स किए थे ताकि हमारा जो प्रेशर आए वो हमारे क्वाड्स पर आए. अभी जो हमें पोजीशन रखनी है वो नॉर्मल जो हमारी स्क्वाट्स पोजीशन होती है वो रखनी है, लेकिन हमारे जो पंजे होंगे, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, पंजे जो होंगे वो हल्के से बाहर की तरफ ऐसे खुले हुए होंगे ताकि जो हमारा सारा प्रेशर आए हमारे हैमस्ट्रिंग्स पर आए. तो कैसे करना है, लाइक दिस. देखिए, जो मेरे हल्के से पंजे हैं वो बाहर की तरफ खुले हुए हैं एंड देन इसको हम शुरू करेंगे लाइक दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो जो लोग कंफ्यूज होते हैं, वेट बढ़ाना है, वेट पहला सेट ही उस वेट से लेके जाना है जिससे कि आपके 10-12 या मैक्सिमम 15 रैप निकल जाएं. मैं ज़्यादा करके नहीं दिखाता हूँ कि टशनबाजी में फिर सबको लगता है ज़्यादा ही मारना है, तो लोग अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ज़्यादा मार लेते हैं, इंजरी हो जाती है. तो आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग 10-12-15 रैप निकाल पाएँ उतना वेट रखना है. तो चलते हमारे नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ. सो गाइस, नेक्स्ट वर्कआउट आता है हमारा लेग कर्ल. हमें क्या करना है, जिनके पास ये मशीन है वो इससे करेंगे, या जिनके पास ये मशीन नहीं है या डिक्लाइन मशीन है जिम में लेग कर्ल करने के लिए वो उस पर करेंगे, और वो भी नहीं है जिनके जिम में ये दोनों मशीनें नहीं है, मैं पुरानी एक क्लिप डाल देता हूँ पिछले वर्कआउट से. आपको डिक्लाइन मशीन में बेंच पर लेटना है, एक आपका पार्टनर या ट्रेनर आपके पैर में डंबल लगा देगा एंड देन आपको उसके साथ अपना वर्कआउट परफॉर्म करना है 10-12-15 रेप. और जिनके पास ये मशीन है उनको कैसे करना है, अपने पीछे वाले लेग्स को, मतलब कि हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करना है लाइक दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइक दिस 10-12-15 रेप करना है. बहुत मज़ा आने वाला है. तो चलते हैं हमारे थर्ड वर्कआउट की तरफ. लेट्स गो. थर्ड वर्कआउट आता है हमारा लेग प्रेस. कैसे करेंगे, परसों जो वर्कआउट किया था उसमें लेग प्रेस पे हमारी पोजीशन थी क्लोज, हमने अपने फीट रखे थे लाइक दिस क्योंकि हमें अपने क्वाड्स पे क्वाड्स को फील कराना था. अब क्योंकि हम हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारी जो पोजीशन होगी वो ये होगी और हमने पूरा नीचे आना है लाइक दिस ताकि हमारी जो, अरे किसने धड़म धड़म मचा रखे जिम में, जो हमारा जो पूरा प्रेशर है वो हमारी इंटरनल लेग्स पर आए लाइक दिस. पूरा नीचे जाना है. 1, पूरा प्रेशर हमारा इंटरनल लेग्स पर आएगा हमारी. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वेट उतना रखना है मैक्सिमम जिससे कि आप 10-12-15 रैप निकाल पाओ. बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना, बहुत कम भी नहीं रखना. चलते हैं हमारे फोर्थ वर्कआउट की तरफ. लेट्स गो. सो गाइस, फोर्थ वर्कआउट आता है हमारा सुमो स्क्वाट्स. कैसे करना है, हैवी डंबल लेना है और अपने लेग्स को, जैसे मैंने अभी सिटअप्स की पोजीशन बताई थी, पैर हमारे बाहर की तरफ खोलेंगे एंड देन हमें क्या करना है, डंबल को बहुत लोग ऐसे पकड़ते हैं, अगर हैवी डंबल लोगे, बड़ा डंबल लोगे तो पूरा नीचे नहीं जावा हुए टकराएगा. तो हमने डंबल को लेना है इस पोजीशन से लाइक दिस एंड देन लाइक दिस. 1, 2, 3 पूरा नीचे जाना है और ऊपर जाके ग्लूट्स को स्क्वीज करना है. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वर्कआउट, चलते हमारे फिफ्थ वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। स्टिफ गाइस, फिफ्थ एंड लास्ट वर्कआउट आता है हमारा, हमारी स्टिफ डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट कैसे करनी है, इसमें हमें पूरा नीचे जाना होता है। जो लोग बैक में पूरे नीचे जाते हैं उसमें ना जाके हमें इसमें पूरा नीचे जाना होता है। कैसे करना है, नॉर्मल अपनी ग्रिप रखनी है एंड देन लेग्स हमारे जो होंगे, जो हमारे पंजे होंगे वो बिल्कुल क्लोज होंगे, और हमें कोशिश इसमें ये करनी है कि हमारे जो हिप्स हैं वो पीछे जाएं, और हम हिप्स को पीछे रख के पैरों के साथ अपनी रॉड को आगे लेके जाएंगे और आगे जाके रॉड को आगे कर देंगे, तो हमारा जो पूरा प्रेशर होगा वो हमारे हैमस्ट्रिंग्स पर आएगा। कैसे, लेट मी शो यू लाइक दिस। वन, पूरा पीछे नहीं आना इसमें बैक की तरह, यहाँ से नीचे जाना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वेट उतना रखना है जिससे कि 10-12 रैप मैक्सिमम निकल पाए। तो चलते हैं अपने लास्ट वर्कआउट की तरफ, जो है हमारा काफ। काफ कैसे करेंगे, कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। तो भाई लास्ट वर्कआउट करेंगे अपने काफ्स के लिए, कैसे करना है, रॉड लेनी है, उसमें वेट डालना है। आप स्मिथ मशीन पे करेंगे, मैं फ्री वेट करता हूँ, आप स्मिथ मशीन पे करें, मैक्सिमम वेट डालें, और जब रॉड आप लिफ्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, अपने पैर पंजों पे खड़े होना है, देन स्क्वीज करना है होल्ड करके, देन नीचे आना है लाइक दिस। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 10-12-15 रेप निकालने हैं, और जितना हैवी आप वेट लगा सकते हो इसमें उतना लगा सकते हैं, काफ में वेट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस ये था हमारा लेग्स का वर्कआउट, आ जा गाइस, ये था हमारा 3 महीने की गेरिंग सीरीज़ के 3rd महीने का day 4 का वर्कआउट। आज हमने किया लेग्स, हमारे हैमस्ट्रिंग्स हमने ट्रेन किए हैं। हफ्ते में 10-11 एक्सरसाइज नहीं कर सकते एक दिन में, बहुत से लोग थक जाते हैं, दैट्स व्हाई मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है। एक दिन हम कोच कर रहे हैं, जिन लोगों को कोच का वर्कआउट देखना है वो 2 दिन पहले का वर्कआउट देख लीजिए। आज हमने हैमस्ट्रिंग्स किया है, तो अब कल मिलूँगा आपको हमारे शोल्डर वर्कआउट के साथ। नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, एक ही रियल आईडी है, इधर उधर पैसे पूछे मत दे दिया करो यार, मुझे बहुत कंप्लेंट आती है, सर आपने हमसे पैसे ले लिए, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। फेक आईडीज़ मेरी बहुत सारी बना दी हैं पर्सनल ट्रेनिंग के, कुछ लोगों ने पैसे पूछे दे दिए इधर उधर। ये जो मेरी आईडी मैंने दी हुई है, सिर्फ एक ही आईडी है मेरी, इसे भी टाइम से नहीं चला पाता, तो 2-4 आईडी क्या चलाऊंगा। तो गाइस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी फ्रॉड के चक्कर में ना फंस जाएं, एक ही आईडी है, और जो लोग मुझसे 1-to-1 सेशन करना चाहते हैं वीडियो कॉल कर, विषय ऊपर ले जा और वहाँ से फेंक, जो लोग मुझसे सेशन करना चाहते हैं, 1-to-1 सेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं अपनी फिटनेस रिलेटेड क्वेरीज के साथ, वो मुझे बोलो ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बोलो ऐप डाउनलोड करें और मेरे टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग मुझसे वीडियो कॉल करें। कल मिलता हूँ आपको हमारे 5th डे के वर्कआउट के साथ, हमारे शोल्डर वर्कआउट के साथ। याकी जी ओट्स ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं आज। कल मिलता हूँ आपको हमारे शोल्डर वर्कआउट के साथ, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में, बाय।